हरे कृष्णा। तो मैं कृतज्ञ हूँ आज आप सबके बीच में इस सुंदर मंदिर में भगवान के चरण कमलों में भगवान की कुछ सुनाई दे रहा है आप सबको पीछे कि नहीं? ओके, थोड़ा आवाज बढ़ा। ओके, हरे कृष्णा। अभी बेहतर है? आज मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा कि हाउ शुड बी लव, प्रेम कैसे करना है, लव सेल्फलेसली नॉट हेडलेसली, कि हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करना है, पर हमें हमारे बुद्धि को त्याग के बुद्धिहीन पद्धति से प्रेम नहीं करना है। तो ये मैं अभी एक अभी मैंने अभी कुछ समय पहले रामायण पे एक ग्रंथ लिखा है और अभी मैं महाभारत पे ग्रंथ लिख रहा हूँ। तो महाभारत में जब धृतराष्ट्र के बारे में पढ़ रहा था तो तभी मुझे इस विषय के बारे में प्रेरणा मिली। अभी धृतराष्ट्र जो है वह अभी प्रेम जो होता है अनेक संबंधों में होता है, एक माता पिता का अपने पुत्रों से बच्चों से हो सकता है, पति का पत्नी लड़के का लड़की से, लड़की का लड़के से हो सकता है, भाई का बहन भाई से, बहन से हो सकता है। और शास्त्र में बताया था कि सारे प्रेम के स्रोत है जो आत्मा और भगवान का संबंध है। तो प्रेम अलग अलग पद्धति से हो सकता है, पर जब हम प्रेम करते हैं तो कभी कभी प्रेम के नाम पर लोग बहुत कुछ बुरी चीज़ें कर देते हैं और कभी कभी प्रेम के कारण लोग बहुत अच्छी चीज़ें भी करते हैं। तो ये जो प्रेम है ये वास्तव में क्या है और वो कब हमारे अच्छे के लिए कार्य करता है, कब हमारे बुरे के लिए कार्य करता है? अभी महाभारत में वर्णन आता है कि जब विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश देते हैं कि आपका जो पुत्र है वह बड़े बुरे मार्ग पर जा रहा है, वह खुद का विनाश करेगा, सारे कुरु वंश का विनाश करेगा और उसके साथ साथ वह तुम्हें भी दुख में डालेगा, वह तुम्हारी शक्ति को इस्तेमाल करके, तुम्हारे पद को इस्तेमाल करके, उसका दुरुपयोग करके तुम्हें बदनाम कर रहा है। अभी कैसे है कि जो महाभारत में धृतराष्ट्र जो है उसको हम कह सकते हैं वो ऐसे कोई कंपनी होती है, उसमें एक एक्टिव पार्टनर होता है, एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, मतलब उसने पैसे डाले हुए हैं पर वो खुद काम नहीं कर रहा है। इतना जो एक्टिव पार्टनर होता है वो खुद काम कर रहा होता है, ऐसे हम कह सकते हैं कोई एक्टिव विलन होता है और कोई स्लीपिंग विलन होता है। तो जो विलन होता है, तो धृतराष्ट्र जो है खुद बुरे प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं थे, हाँ कुछ भी बुराई थी पर वास्तव में एक है वीकनेस और दूसरा है विकेडनेस। वीकनेस मतलब कमजोरी और विकेडनेस मतलब क्रूरता, ये दोनों में फर्क है। तो धृतराष्ट्र में जो था वो वीकनेस था, कमजोरी थी, और कमजोरी क्या थी कि वो अपने पुत्र दुर्योधन से बड़ा आसक्त था। और दुर्योधन में क्या था, वो केवल वीकनेस नहीं था, वो विकेडनेस था, क्रूरता थी उसमें। और क्या हो रहा था, यह जो ऐसा संबंध है जिसमें एक व्यक्ति कमजोर है और दूसरा व्यक्ति क्रूर है, उसके कारण जो क्रूर व्यक्ति है वो कमजोर व्यक्ति को अपना एक पुतला बना लेता है, अपनी कठपुतली बना लेता है और अपने उससे खुद को जो करवाना है वो करवा लेता है। तो धृतराष्ट्र कभी कहते हैं महाभारत में कि वास्तव में मैं खुद के लिए कुछ भी नहीं जानता, मैं तो अंधा हूं, मैं राजा बनने वाला नहीं हूं, पर मैं जो मुझे नहीं मिला वो मेरे पुत्र को देना चाहता हूं, तो उसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो निस्वार्थ भाव से मेरे पुत्र से प्रेम करता हूं और मेरी इतनी ही इच्छा है कि वह सुखी हो जाए। तो अभी यह जो है भाव तो बड़ा उच्च लगता है, मैं खुद के लिए कुछ नहीं चाहता, पर ये निस्वार्थ प्रेम नहीं है, ये बुद्धिहीन प्रेम है। दिस इज नॉट सेल्फलेस लव, दिस इज हेडलेस लव। भाई इसमें फर्क क्या है कि निस्वार्थ जब होता है तो हम
खुद की परवाह नहीं करते, दूसरे व्यक्ति की परवाह करते, खुद को दुख भी भुगतना पड़ेगा तो दुख भुगतते हैं ताकि दूसरे का अच्छा हो सके, दूसरे का कल्याण, दूसरे का सुख प्राप्त हो सके। पर हेडलेस लव, बुद्धिहीन प्रेम का मतलब है कि हम प्रेम के नाम पे सारे बुद्धि को दूर फेंक देते हैं, दूर ढके देते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जिससे खुद का भी नुकसान हो, दूसरों का भी नुकसान हो। तो वास्तव में हम जब कार्य, ये मैं इस प्रश्न को तीन विभागों में लूँगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेम क्या है और प्रेम करने की प्रवृत्ति आती कहाँ से है। दूसरा है ये प्रेम करने की प्रवृत्ति कैसे हमें कभी कभी गलत मार्ग पर ले जाती है और अंत में कैसे हम सही मार्ग पर रह सकते हैं। तो सबसे पहले ये प्रेम मतलब है क्या, कि वास्तव में हम कह सकते हैं कि प्रेम इस शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, अलग 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 संदर्भों में। कोई कहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में एक प्रवचन दे रहा था तो वहाँ पे कॉलेज में प्रवचन दे रहा था तो वहाँ पे विद्यार्थी बोल रहे थे कि Why are religious people against love? कि धार्मिक लोग प्रेम के खिलाफ क्यों है? मतलब कि ऐसे कोई नहीं है, नो वन, वी आर नॉट अगेंस्ट लव, वी आर अगेंस्ट वॉट पीपल थिंक इज लव। कई लोग सोचते हैं ये प्रेम है, कुछ लोग काश कई बार मूवीज में देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है और वो कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। देखो देखा, मुझे लगा मेरे शरीर में कुछ बिजली आ गई। और फिर अभी ऐसे जब होता है तो क्या ये हो सकता है? भी हो सकता है कभी कभी कि दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उनका आकर्षण हो जाता है, पर वास्तव में वो प्रेम नहीं है, वो केवल एक आकर्षण है। तो जो लोग कहते हैं प्रेम है वो क्या है? अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन भी नहीं, वास्तव उसको इन्फैचुएशन कहते हैं, वो जो कुछ समय के लिए आकर्षण रह रहा है। तो असली अगर प्रेम है तो वो फर्स्ट साइट में क्या हुआ है महत्वपूर्ण नहीं है, मैनी साइट्स के बाद क्या होता है वो महत्वपूर्ण है। पहले बार देखते तो क्या लगता है, अच्छा कुछ आकर्षण लगता है, पर 10 बार 15 बार 20 बार 100 बार मिलने के बाद कितना आकर्षण रहता है। जो लोग ऐसे कहते हैं कि कभी कभी वो कहते हैं प्रेम के नाम में, कहते हैं कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मैं इसके बिना जी नहीं सकता, तो लड़का लड़की होते सारे दुनिया से युद्ध करने के तैयार हो जाते हैं। और वही कुछ साथ में रहते हैं, विवाह हो जाता है, फिर 6 महीने 1 साल के बाद कहते, पहले वो कहते हैं I can't live without you, और फिर बाद में कहते I can't live with you। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, पहले कहते मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो ये क्या है? ये केवल एक भावनाओं का खेल है, हमारी भावनाएं हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। और जो कई बार लोग प्रेम कहते हैं वो केवल एक शारीरिक और मानसिक स्तर पे भावनाएं उत्तेजित हो गई है, और जो भावना उत्तेजित हो जाती है वो कुछ समय तक रहती है और फिर उसके बाद में चली जाती है। मेरे एक मित्र है अमेरिका में, वो मैरिज काउंसलर है, तो वो कहते हैं, वो भक्त कहते हैं कि दो प्रकार के कपल्स होते हैं, तो एक होते हैं कि जो एक दूसरे झगड़ा करते हैं और दूसरे हैं जिनको हम आप अच्छी तरह जानते नहीं हो। इसका मतलब है कि अगर साथ में कोई दो लोग रह रहे हैं तो थोड़ा सा मतभेद तो होगा ही, कभी झगड़े होंगे भी, पर अगर सिर्फ भावना के स्तर पे साथ में लोग आ गए हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तो वो क्या है? वो केवल एक मन में, बुद्धि के, हमारे दिमाग में कुछ रसायनें, किसी आकर्षक व्यक्ति को देख के कुछ रसायन उत्पन्न हो जाती है, उसको लगता है ये अच्छा, बहुत अच्छा है, पर वो जो रसायन उत्पन्न होते हैं वो लगभग 9 महीने 12 महीने तक रहती है, कभी कभी उससे कम रहती है, कभी उससे थोड़ी ज़्यादा रहती है, पर उसके बाद में वो गायब हो जाती है। इसीलिए अगर हम कहते हैं लव एज इमोशन, एज इन्फैचुएशन, कि प्रेम अगर हम इसको कम करते हैं, ये एक भावना है, ये एक आकर्षण है, तो वो भावना किस तरह आकर्षण कहते हैं, तो वो रहता है और वो चला जाता है। और फिर जैसे ही जो लोग जैसे आई फॉलन इन लव, वो कहते हैं आई फॉलन आउट ऑफ लव ना, और फिर क्या होता है, संबंध ज़्यादा स्थिरता से रहते नहीं है। तो उसके समय बाद में क्या होता है, हम प्रेम की मैं भी प्रेम क्या है ये बोलने का प्रयास, बोलने का ये हम चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि यू नो यू डोंट लव मी एनी मोर,
कि अभी तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्रेम का अर्थ दूसरा हो गया, कि ये प्रेम एक अपेक्षा के रूप में है, लव एज एन एक्सपेक्टेशन। मतलब जब तुम मिलता हो तो मुझे देखना, हंसना चाहिए, मुझे कुछ भेंट देनी चाहिए, मुझसे अच्छे से बात करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं आप। तो मतलब क्या, पहले जो प्रेम था वो एक इमोशन था, एक आकर्षण था, पर अभी तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। मतलब क्या है कि जो मेरी अपेक्षा है तुम पूरी नहीं कर रहे हो। तो लव ये एक्सपेक्टेशन भी होता है कभी कभी, और इस, और ये गलत नहीं है, क्योंकि हर संबंध में हम कुछ अपेक्षा रखते हैं कि मैं कुछ करूँगा, आप कुछ करेंगे मेरे लिए। हर संबंध में ऐसा होता है कि आदान प्रदान, मतलब हमारा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, हम कुछ दूसरे व्यक्ति के लिए करते हैं, और उनका हमारा उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन होता है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। पर जब ऐसे लगता है हमको कि तुम मुझसे, जब हम ऐसे कहते हैं कि यू डोंट लव मी एनी मोर, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, मतलब क्या है, यहाँ पे प्रेम के भावना का क्या है, अपेक्षा, मेरी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रहे हो तुम। और जब ऐसे हो जाता है तो लगता है कि वो भावना चली गई, अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है, तो फिर क्या करना है इस संबंध में, तो फिर संबंध चला जाता है। तो क्या होता है, जो संबंध है उसके लिए एक, आजकल जो समाज में संबंध जो होते हैं उसको बहुत यूटिलिटी के रूप में देखते हैं, इसका क्या उपयोग है, इससे मुझे क्या मिल रहा है। पर संबंधों को हमें केवल यूटिलिटी के रूप में नहीं देखना है, उनके सैंक्टिटी के रूप में देखना है। सैंक्टिटी मतलब उनकी पवित्रता, उनका धार्मिक जो भाव है वो देखना है। और इसके लिए महत्व करना क्या है, लव एज एक्शन, लव एज एक्शन, लव एज डिसीजन, लव एज डेडिकेशन। प्रेम जो है ये केवल एक भावना नहीं है, ये केवल एक अपेक्षा नहीं है, ये एक कार्य है। और जो कार्य करेंगे हम, उससे वो भावना भी आ जाएगी और उससे वो जो प्रेम है वो स्थिर हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, शिशु है, और माँ दिन भर काफ़ी काम कर चुकी है, और रात को अचानक वो बच्चा उठ के रोने लग जाता है। तो अभी जब बच्चा बच्चा रोता है वो ऐसे कहे कि अलार्म क्लॉक जो बिना सेट किए बज जाता है, और कभी बज जाता है, तो अभी बहुत थकी होगी अगर माँ, तो जब वो बच्चा रोएगा तो जब उठेगी तो शायद साधारणतः माँ को अपने बच्चे को देखे तो बहुत स्नेह आता है, उसको संभालने की, उसको देखभाल करने की इच्छा होती है। पर रात को जब उठना पड़ता है तभी ऐसी कोई इच्छा नहीं आएगी, थोड़ी सी थोड़ा गुस्सा आएगा, थोड़ा चिड़ना आएगा, थोड़ी इरिटेशन चिड़ा आ जाएगा, पर फिर भी क्या है, तभी अच्छा बच्चा रो रहा है तो अगर हमारा अलार्म बज रहा है तो हम अलार्म बंद कर देंगे, तो बच्चा रो रहा है तो बच्चा चुप बैठ, ऐसा कभी नहीं करेंगे हम। क्यों, फिर भी जो माँ है वो उठाएगी, उठेगी, बच्चे को संभालेगी, उसको थोड़े शांत करेगी, और जैसे बच्चे को उठाएगी, उसको संभालेगी, उसे शांत करेगी, तो उससे उस कार्य से स्नेह का भाव आ जाएगा। सो देर आर टू वेज टू लव, दैट फ्रॉम इमोशन टू एक्शन और फ्रॉम एक्शन टू इमोशन। वी कैन फील आवर वे टू एक्शंस और वी कैन एक्ट आवर वे टू फीलिंग्स। क्या है, कभी कभी हमें ये अच्छा लगता है, ये भावना मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ये कार्य करूँगा, तो भावनाओं से हम कार्य तक जाते हैं, और कभी कभी क्या है, कार्यों से हम भावना तक जाते हैं कि ये मैं करूँगा और फिर उससे भावना आ जाती है। तो आजकल के समाज में जब लोग प्रेम की परिभाषा करते हैं वो पहले भावना रखते हैं, ये व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इनके साथ रहूँगा, तो क्या भावनाओं से कार्य क्यों जाते हैं, तो फिर क्या होता है, भावना चली गई कार्य चला जाता है, कार्य खत्म हो जाता है। पर अगर समझते हैं कि लव इज प्राइमरली एन एक्शन, प्रेम जो है ये पहले कार्य है, जो पहले कार्य करते हैं और कार्य करने से भावना आ जाती है। और ऐसे क्यों है, यही है भाव, यही है वास्तव में सेल्फलेस लव का अर्थ। अभी जब व्यक्ति केवल प्रेम को एक भावना या एक अपेक्षा के रूप में देखता है तो कई बार वो जो प्रेम होता है वो हेडलेस बन जाता है, बुद्धिहीन बन जाता है, क्योंकि भावना के स्तर पे हमें कोई भी बड़ा आकर्षक लग सकता है कुछ समय के लिए, पर तभी कई बार भावना ऐसी होती है कि हमारी बुद्धि को नाश कर देती है। तो इसीलिए केवल भावनाओं के स्तर पे अगर कोई जाता है तो फिर वो ऐसे कार्य, वो प्रेम के नाम में कार्य कर रहा है, पर प्रेम के नाम में ऐसे कार्य कर देता है कि खुद का दूसरों का और विनाश कर देता है। तो मैं प्रेम का एक इंक्लूसिव, एक ऐसा परिभाषा देख रहा हूँ यहाँ पे कि
ऐसे कोई भी प्रेम हो सकता है, अधिकांश रूप से जब प्रेम हम बात करते हैं आजकल के आधुनिक समाज में तो रोमांटिक लव के बारे में बात होती है, पुरुष स्त्री के बारे में, पर ऐसे नहीं है, प्रेम अलग होता है। तो अभी दुर्योधन और धृतराष्ट्र का संबंध था, उसमें क्या हुआ था? ओके अभी बेहतर है? अच्छा, अगर आपको पीछे सुनाई दे रहा है तो कृपया हाथ ऊपर कीजिए ताकि हम कुछ अच्छा ओके ओके अभी बेहतर है? ओके या ना, ठीक है अभी ओके। तो अगर सुनाई दे रहा है तो प्लीज़ बोल देना ताकि हम कुछ एडजस्ट कर सकें। तो अभी तक जो बोल रहा था सुनाई दे रहा था आपको कि आपको सुनाई दे रहा था? ओके ओके थैंक यू। तो अभी जब हम प्रेम को केवल एक भावना, एक अपेक्षा के रूप में देखते हैं तो फिर क्या है जो कई बार उससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और फिर हम मूर्खता से कार्य करने लगते हैं। मैं अभी मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में मैंने एक लेक्चर दिया अभी अमेरिका में जो था मैं, तो वहाँ पे अभी मैसाचुसेट्स जैसे भारत में IIT होता है वैसे MIT अमेरिका का सबसे टॉप कॉलेज में से एक कॉलेज है। तो वहाँ पे एक विद्यार्थी मिला था मुझे और वो बता रहा था कि उसका एक मित्र था और वो अभी भारत से अगर कोई अमेरिका जाता है तो अमेरिकन कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिलता है, पर जो आईवी लीग कॉलेजेस है MIT वगैरह, MIT है, प्रिंसटन है, से टॉप कॉलेजेस में भारतीयों को एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्या है वो अमेरिका में जो भी लोग आते हैं, अमेरिकन विद्यार्थी खुद है और दूसरे देशों से विद्यार्थी आते हैं, तो उनमें से सबसे बुद्धिमान जो विद्यार्थी होते हैं वो दो देशों से, भारत और चीन, के इन देशों से लोग जो बच्चे आते हैं बहुत मेहनती होते हैं और बहुत बुद्धिमान लोग ही, क्योंकि इन देशों में लोकसंख्या इतनी ज़्यादा है कि इससे ऊपर उठने के लिए बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही मेहनती होना चाहिए। तो अगर वो सिर्फ मेरिट पे रखते हैं कि सबसे बुद्धिमान है, सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले कौन से विद्यार्थियों को है, तो वो मैसाचुसेट्स के एक प्रोफेसर से बात कर रहा था, वो कहते कि अगर सिर्फ मेरिट पे रखेंगे हम तो हमारे सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ इंडियन और चीन स्टूडेंट से भर जाएगी। तो वो क्या करते हैं कि वो एक ऐसे कोटा बना देते हैं कि इतने ही हम भारतीय स्टूडेंट्स लेंगे, इतने ही हम चीन स्टूडेंट्स लेंगे, और अगर कोई मेक्सिको से आ रहा है, कोई फ्रांस से आ रहा है, तो उसका CGPA 4.1 भी होगा तो उसको मिल जाएगा, जो भारत से उसको 4.9 CGPA होगा उसको फिर भी नहीं मिलेगा, ऐसे कभी हो जाता है। तो ये कहने का उद्देश्य ये है कि वो उस विद्यालय में पहुंचने के लिए बहुत मेहनती, बहुत बुद्धिमान होना पड़ता है। तो एक विद्यार्थी था वहाँ पे, वो ऐसे वो टॉप यूनिवर्सिटी पहुंच गया था और MIT में था, और वहाँ पे उनका एक कॉलेज शुरू होने का पार्टी था। तो पार्टी में बहुत कुछ ऐसे लोगों ने शराब पी लिया, तो वो भी शराब पीता नहीं था, पर दोस्तों ने बोला पी लो, तो उसका कोई दोस्त बन गया था वहाँ पे, पी लो मेरे लिए पी लो, थोड़ा पिया और थोड़ा पिया और थोड़ा पिया। अभी क्या है आधुनिक समाज में भी लोग शराबी को पसंद नहीं करते, पर वो कहते शराब पीना बुरा नहीं है, वो कहते हैं ड्रिंक बट डोंट बिकम ड्रंक, शराब पियो पर शराबी मत बनो। ये कैसे कहना है, ये है पहाड़ के तट पे जाओ पर नीचे मत गिरो। तो पहाड़ के तट पे जाना क्यों है? चले जाएंगे। तो उससे क्या हुआ, थोड़ा शराब पी लिया और पी लिया और पी लिया, और फिर क्या है, खास करके अभी शराब पीना तो वहाँ पर बुरा नहीं मानते, पर जो लोग हमेशा शराब पीते हैं या उनके संस्कृति में है वो भी उसको नियंत्रण में रखते हैं। तो अगर कोई युवक है वो शराब पीने वो कोई पार्टी में जा रहे हैं जहाँ पर शराब होने वाला है, तो फिर वो फैसला कर लेते हैं, कार में अगर जा रहे पाँच छः युवक जा रहे तो फैसला कर लेते पहले से कि आज की रात तुम्हारी तपस्या की रात है। क्या तपस्या है? तुम ड्राइविंग कर रहे हो इसलिए तुम शराब नहीं पियोगे आज। और फिर बाकी सब पीते हैं और बोलते इस रात को तुम तपस्या करो, इस पार्टी में, अगले पार्टी में मैं तपस्या करूँगा। तो ये क्या है, तामसिक कार्य है पर उसमें भी थोड़ी बुद्धि रख रहे हैं। पर जो नए नए होते हैं, जो अगर कोई नए कोई परिवार को शराब पी रहा है तो क्या होता है, वो पूरा तमस में चला जाता है। तो अभी जो विद्यार्थी था वो उसका दोस्त अच्छा एक मित्र बन गया था, तो मित्र बोला थोड़ा और पी लो, और उसने और पिया, फिर बाद में
वो मित्र अपने घर चला गया, उसने कुछ ट्रैम ले, उसने कुछ कैब ले लिया। ये बक्का ये अमीर परिवार से था, बुद्धिमान भी था, अमीर परिवार से भी था, तो उसका उस अमेरिका जाकर उसने अपना कार था, तो कार में बैठ गया और ड्राइविंग करने लग गया। और क्या है, हर जगह देश में, पर खास करके अमेरिका में, अगर आप शराब पी के ड्राइव करते हो पाश्चात्य देशों में, तो वो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है, आपका लाइसेंस हमेशा के लिए जा सकते हो। और उस दिन क्या हो गया, वो ड्राइव कर रहा था नशे के उसने, और वहाँ पे एक स्कूल के एरिया से गया वो, और जैसे ड्राइव कर रहा था बीच में कोई लड़का, छोटा लड़का आ गया, और वो लड़के को उसका कार टकरा गया, और वो लड़का बेहोश होकर वहाँ पे गिर गया, लगभग मौत के तक चला गया। और इसके कारण क्या हुआ, पुलिस वहाँ पे आ गई, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, और वो ऐसी परिस्थिति हो गई कि उसको पूरा अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया और भारत में भेज दिया। अभी ये पूरा उसने अपने ज़िंदगी भर के मेहनत करके IIT से फिर MIT पहुंचा था, और पूरा इलस्ट्रियस करियर, क्या इतना अच्छा करियर था, पूरा बर्बाद हो गया। क्यों? बोले मेरे दोस्त के लिए मैंने ये किया। वो बता रहा था कि मैं तो शराब पीता भी नहीं हूँ, इतना शराब मैंने पहली बार पिया, पर पहली बार पिया और बहुत बड़ा समस्या हो गया। तो इसी के लिए, अगर ठीक है मैं दोस्ती के लिए कर रहा हूँ, कई लोग क्या होते हैं, सोशल ड्रिंकर होते हैं। सोशल ड्रिंकर मतलब क्या, उनको शराब में कोई रुचि नहीं है, पर उनको दोस्तों के साथ रहना है, और अगर दोस्त शराब पीते हैं तो उनके साथ वो शराब पीने लगते हैं। पर क्या होता है, अगर ऐसे हम दोस्तों के साथ शराब पी लेंगे, पर शराब करने का परिणाम जो आएगा वो दोस्तों के साथ नहीं आएगा वो अकेले पे आने वाला है। तो इसमें क्या हो गया, दिस वॉज फ्रेंडशिप दैट वॉज हेडलेस। तो उसको एक दूसरे पता था, तो कि उसके माता पिता ने उसको बोला था, अभी क्या खास करके भारत से अगर कोई अमेरिका जाता है तो कुछ कुछ विद्यार्थी को स्कॉलरशिप मिलता है, कुछ माता पिता को बहुत सारा धन डालना पड़ता है, फिर उसके लिए इसके एजुकेशन के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर सारा कुछ समय के लिए एक गलती कर ली और सारा बर्बाद हो गया। तो क्या है, ऐसे दोस्ती में भी हमें सेल्फलेस होना चाहिए। ठीक है, मैं खुद त्याग करूँगा तुम्हारे लिए, पर ऐसे नहीं है कि मैं बुद्धि का त्याग कर दूँगा। एक है त्याग करना, पर दूसरा है बुद्धि का त्याग कर देना। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे संबंध में अगर बुद्धि साथ में नहीं रखते हैं तो क्या होता है, हम भावनाओं के वश में चले जाते हैं। तू भी क्या याद रखेगा, चलो तुम कहते हो पी रहा हो मैं पी लेता हूँ, और फिर उससे विनाश की मार्ग चले जाते हैं। तो प्रेम को भावना या अपेक्षा के रूप में रखते हैं हम, जो भावना के रूप में रखते हैं तो हम कभी कभी बुद्धि खो बैठते हैं, अपेक्षा के रूप में रखते हैं तो क्या होता है, मेरी अपेक्षा कि तुम्हें यह करना चाहिए, तुमने ये नहीं किया, इसीलिए मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, और आज से हमारा संबंध खत्म। और कभी कभी लोग छोटी छोटी चीज़ को, जैसे हम प्रेम को सिर्फ अपेक्षा के रूप में रखते हैं, तो सबसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, कभी कुछ भूल जाते हैं, कुछ नहीं होता है, तो फिर वो अपेक्षा, अभी अपेक्षा स्वाभाविक है, पर प्रेम को सिर्फ अपेक्षा समझना ये गलत है। जो मित्र थे मैरिज काउंसलर बता रहे थे कि एक बार एक कपल उनके पास आया, और वो जो पत्नी थी, स्त्री थी, बोले थे मुझे डिवोर्स चाहिए। क्यों डिवोर्स चाहिए? बोले कि मेरा, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, मेरा पति भूल गया। ठीक है, अच्छा भूलना नहीं चाहिए, पर उसके लिए डिवोर्स देना, या उसका मतलब है मुझे प्रेम नहीं करता है वो। अभी क्या ये सही है? अभी ठीक है, अपेक्षा हो सकती है स्वाभाविक, पर इतना सिर्फ वो प्रेम को सिर्फ अपेक्षा पे रिड्यूस कर दिया तो क्या है, वो व्यक्ति अपने जीवन को उध्वस्त कर सकता है। तो इसलिए प्रेम जो है सबसे प्रधान रूप से क्या है, एक एक्शन है, एक कार्य है। अगर हम प्रेम पूर्ण कार्य करते हैं, जैसे माँ मेरे बेटा उठ जाती है, बच्चे को संभालती है, तो उससे क्या है, उससे हमारे हाथ में जो है हम कर रहे हैं। अगर हम प्रेम को भावना के रूप में समझते हैं या हम अपेक्षा के रूप में समझते हैं, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कल भावना थी, आज चली गई, अपेक्षा थी, अपेक्षा पूरी नहीं किया, हम असह्य हो जाते हैं, हम खुद को असह्य बना देते हैं जब हम प्रेम को केवल भावना या अपेक्षा के रूप में समझते हैं। बट अगर प्रेम को हम एक कार्य, और कार्य करने का दृढ़ निश्चय, ठीक है मैं ये करते रहूँगा, द डेडिकेशन, जब ऐसे होता है तो हम उस संबंध में हमारी ओर से तो स्थिरता ला सकते हैं, दूसरे व्यक्ति से कितनी स्थिरता आएगी वो अलग बात है। तो अभी ये प्रेम जो हम करते हैं,
ये प्रेम करने की प्रवृत्ति आती कहाँ से, हम क्यों प्रेम करना चाहते हैं? भगवान कहते स्वाभाविक है। हाँ, स्वाभाविक है, पर ये स्वभाव आता कहाँ से? अगर हम देखेंगे तो हमारा शरीर जो पूरा है वो अचेतन है। शरीर में जो है वही उसी उन चीज़ों से बनाया हुआ है जो जिन चीज़ों से जो अणु परमाणु है इनसे ये माइक स्टैंड बनाया हुआ है। अगर कोई रोबोट कोई बना लेता है, जैसे ही आप घर आ जाओ वो रोबोट आपको आई लव यू, अगर कोई कहता है तो क्या वो रोबोट आपसे सही में प्रेम कर रहा है? कोई लोग है जो कंप्यूटर को ऐसे प्रोग्राम करते हैं, कंप्यूटर जैसे ही खुलता है कंप्यूटर कहता है आई लव यू, तो क्या वो कंप्यूटर प्रेम कर रहा है? वो केवल एक प्रोग्राम के अनुसार वो बोल रहा है। कोई आके प्रोग्राम चेंज कर देगा और वो कंप्यूटर खोलेगा आई हेट यू, कंप्यूटर में कुछ भावनाएं है ही नहीं। तो जो हमारी भावनाएं करने भावना अनुभव करने की और प्रेम की इच्छा करने की, प्रेम के आदान प्रदान की इच्छा जो है, ये जड़ तत्व से नहीं आती है, ये आत्मा से आती है। जो आत्मा चेतन है, और जो शास्त्र बताते हैं कि जो आत्मा है भगवान का अंश है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, जो आत्मा भगवान का अंश है और आत्मा का जो मूल प्रेम है वो भगवान के लिए है। आत्मा का शाश्वत संबंध परमात्मा से है, वो प्रेम का संबंध है। और अभी वही जो प्रेम करने की प्रवृत्ति है आत्मा के भगवान के प्रति, वह क्या हो गई है? वह आवृत और विकृत हो गई है। जैसे अभी जो शैंडेलियर है इसमें येलो लाइट है, पीला लाइट है, अभी उसके ऊपर कोई लाल कांच लगा देगा तो उसमें से कौन से कलर का लाइट आएगा? लाल लाइट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आवरण वैसे हो गए। तो वैसे ही हम सब को जो आत्मा है वो शुद्ध है, और आत्मा में शुद्ध भगवान को प्रेम करने की प्रवृत्ति है। पर आत्मा में जो आवरण आ जाता है, तो आवरण क्या है? वो शरीर और मन, और ख़ास करके मन में जो इम्प्रेशंस है, मन में जो संस्कार है, जो विकार है, उन सब का कारण क्या होता है? वो आवरण से वो प्रेम करने की प्रवृत्ति अलग अलग दिशाओं में जाने लगती है। तो जिन दिशाओं में जाती है प्रेम की प्रवृत्ति, व्यक्ति उसी में कभी कभी फंस जाता है। तो अभी हम मानव शरीर में हैं, कोई कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, बच्चा है, तो हम भी अलग अलग लोगों से भी प्रेम करते हैं और ये स्वाभाविक है। पर मानव जीवन का उद्देश्य है कि समझना कि वास्तव में हमें अलग अलग लोगों से प्रेम कर रहा हूँ, और ये एक तरह से जिम्मेदारी के रूप में, स्वभाव के रूप में आवश्यक है, पर अंत में मुझे प्रेम भगवान से करना है, क्योंकि वही संबंध शाश्वत है। बाकी सब जो प्रेम है वो अशाश्वत है। तो इसीलिए हम जब भक्ति का अनुशीलन करते हैं, भक्ति का उद्देश्य क्या है कि जो हमारी प्रेम करने की प्रवृत्ति है वो भगवान की ओर लाए। तो मान लीजिए हमारे घर में पानी गिरा हुआ है, और ऐसा एक रास्ता बनाया हमने पानी जाने के लिए, तो अगर पानी इधर जा रहा है पर हम चाहते हैं कि पानी उधर जाए, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक वगैरह आइटम है, यहाँ पे पानी जाना नहीं चाहते, हम उधर जाना चाहते, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे रास्ता बनाना पड़ेगा, और जब रास्ता बनाएंगे वैसे तो फिर वो पानी उधर जाएगा। तो उसी तरह से जब हम भक्ति का अनुशीलन करते हैं, उससे क्या कर रहे हैं? हम हमारी चेतना में एक रास्ता बना रहे हैं, और उस रास्ते से जो हमारा स्नेह है, हमारा प्रेम है, हमारी भक्ति है, वो भगवान की ओर जाने लगती है। अगर रास्ता नहीं है तो भी पानी उधर जा सकता है, पर मुश्किल है। रास्ता होगा तो आसान हो जाता है। जैसे भक्ति का जब अनुशीलन करते हैं तो हम रास्ता बनाते हैं जिससे कि हमारा जो स्नेह है, प्रेम है, वो भगवान की ओर जा सके। अभी सिर्फ रास्ता बनाना काफ़ी नहीं है, रास्ता बन जाएगा तो भी उसका मतलब पानी अपने आप जा रहा है ऐसे नहीं है। कुछ लोग भक्ति करते हैं पर वो केवल एक रीति रिवाज के रूप में करते हैं, उसमें उनको भगवान से स्नेह करने की कोई वास्तव में रुचि है ही नहीं, मतलब भक्ति के कार्य करते हैं। ऐसे बम्बई में हमारा जुहू मंदिर है, वो जहाँ पे सारे बॉलीवुड स्टार्स रहते हैं उसके बाजू में ही है वो। तो कई बार जन्माष्टमी वगैरह हो जाती है तो फिर रिलैक्स
तो कई बार बॉलीवुड स्टार होते हैं वो जन्माष्टमी के दिन मंदिर में आते हैं। अभी कुछ कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके कोई VIP सेलिब्रिटी होते हैं जिनके सही में भक्ति का भाव है और वो मंदिर में आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। कई ऐसे होते हैं कि जो आते हैं दर्शन करते हैं फिर फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं कि देखो मैं इस्कॉन मंदिर में गया था, और फिर वो लोग कहते हैं अरे आप तो इतने अच्छे हो, आप मंदिर भी जाया करते हो, आप भक्ति भी करते हो। तो अभी किसी के हृदय में क्या है पता नहीं, पर कई लोग ऐसे हृदय में ऐसा होता है वो मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए नहीं दर्शन देने के लिए। तो मंदिर में भगवान को देखने के लिए आ रहे, वो लोगों को दिखाने के लिए देखो मैं मंदिर जाता हूँ। तो अगर कोई इस तरह से केवल एक रीति के रूप में समाज को दिखाने के लिए भक्ति के कार्य करता है तो वो भले ही उसे रास्ता बना दिया पर उसमें से कुछ पानी उधर जाएगा नहीं, भगवान की ओर स्नेह बढ़ेगा नहीं। तो क्या है, हमें कार्य करने हैं, कार्य के साथ भी भावना होनी चाहिए या कम से कम भावना की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भगवान से भक्ति करनी है, मुझे भगवान से एक प्रेममय संबंध जोड़ना है। तो अभी हम पहले तो चर्चा कर रहे थे कि हमारे जो जगत में संबंध होते हैं और हम बाद में चर्चा कर रहे हैं भगवान से संबंध जो है। तो मैं बोला पहला पॉइंट क्या है, प्रेम क्या है, प्रेम कहाँ से आता है, ये हम चर्चा कर रहे थे। तो अभी तक किसी का कोई सवाल है? ओके, तो आई विल गो टू द सेकंड पॉइंट कि ये प्रेम करने की प्रवृत्ति जो है वो विकृत कैसे हो जाती है। मैं उसका शुरुआत की थी कि जब ये रोशनी का कोई दिया है वो आवृत हो जाता है तो वो उसका रंग विकृत हो जाता है। तो जब हम प्रेम करते हैं तो वास्तव में हम चाहते हैं कोई संबंध हो। तो हमारे दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक है मतलब ऐसा वर्टिकल भगवान के साथ संबंध जो है ऊपर जो है, और एक हॉरिजॉन्टल मतलब जो बाजू बाजू हमारे सारे लोग हैं उनके साथ संबंध होते हैं। तो अभी ये होते हैं अगर भगवान से हम प्रेम करते हैं तो उस संबंध से हम ऊपर उठते हैं। अब बाकी जो संबंध होते हैं अभी वो किस प्रकार का संबंध है उसके अनुसार प्रभाव होगा कि हम ऊपर उठेंगे या नीचे जाएंगे। अभी धृतराष्ट्र का जो दुर्योधन से आसक्ति थी उसके कारण क्या हो गया, वो नीचे खींचा गया और जो खुद नहीं करता था पर दुर्योधन ने करना चाहा और वो रोक नहीं पाया और उससे उसकी अधोगति हो गई। कई बार ऐसे होता है कि हमारे संबंधों के कारण भी हम ऊपर उठते हैं। कोई गलत कार्य कुछ करना चाहता है पर फिर कोई सदुप दे देता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर उसको सब अच्छा ये नहीं करना चाहिए मुझे, तो उसको बुद्धि जागरूक हो जाती है तो फिर वो गलत मार्ग से बच जाता है। तो ऐसे ये होता है क्या है, वहाँ पे संबंध जो है हमें सही मार्ग पर ला रहे हैं। तो अभी हमारे जो संबंध है जब ऐसे लोगों से होते हैं, हमारे जो संबंध होते हैं अभी संबंध में क्या करते हैं, हम उस व्यक्ति का संग करते हैं। अभी संग का मतलब क्या है, केवल एक शारीरिक रूप से पास में रहना ये संग नहीं है, वो भी संग है, बट क्या है कि हमारी इच्छाएं जो है वह केवल लीनियर नहीं होती है, वो ट्रायंगुलर होती है। अभी लीनियर का मतलब क्या है कि हम किसी चीज़ को देखते हैं अच्छा ये अच्छा लगता है चाहिए वो, मतलब मान लीजिए अगर कोई होटल जाते हैं हम और वहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आइसक्रीम है, तो कोई और व्यक्ति को देखते हैं आइसक्रीम खाते हैं मुझे भी आइसक्रीम खाना है, तो क्या होता है हम वो आइसक्रीम को देख रहे हैं और हम इच्छा हो जाती है, या होटल में जाते हैं देखते हैं कि इसमें आइसक्रीम लिखा हो चलो खा लेते हैं। तो लीनियर मतलब हम यहाँ पे है वो चीज़ यहाँ पे उसकी इच्छा हो जाती है। तो कई इच्छाएँ हमारी लीनियर होती है, पर ट्रायंगुलर मतलब क्या, त्रिकोणी, सीधे एक लकीर की नहीं होती त्रिकोणी होती है। क्यों, मतलब क्या है कि कुछ चीज़ वो क्या है कैसे आकर्षक है वो पता नहीं है। अजय अब 4-5 साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था, तो एक भक्त के घर में प्रसाद के लिए गया था, तो वो भक्त ने कहा कि हमने बकलावा बनाया है, तो मैंने बकलावा नाम कभी सुना ही नहीं था। आपने सुना है बकलावा? अच्छा आपने भी नहीं सुना है। तो बकलावा एक अरेबियन स्वीट होता है, और क्या है जो बकलावा ये नाम जो है ये कुछ ज़्यादा मधुर नाम नहीं है। बकलावा स्वादिष्ट व्यंजन है पर वो तो मैं बकलावा है ठीक है बाद में ले लूँगा।
तो मेरे साथ एक और भक्त आए थे और फिर वो भक्त ने बकलावा लिया. मैं बात कर रहा था, वो भक्त ने बकलावा लिया और वो खाने लग गए. डिलीशियस, बड़ा स्वादिष्ट. तो मैंने उनको देखा, उन्होंने बोला मुझे भी दे दो एक. तो क्या हुआ, वो नाम सुन के या देख के वो इच्छा जागृत नहीं हुई, पर किसी और चीज, किसी और व्यक्ति को वो आनंद लेते हुए देख के फिर इच्छा जागृत हो गई. तो हमारी यहाँ पे जो इच्छा है वो केवल एक लकीर के समान नहीं है, एक त्रिकोण के समान है. वो चीज़ को देख के इच्छा जागृत नहीं होती है, दूसरों को उस चीज़ का भोग करते हुए देख के इच्छा जागृत होती है. हमारी अधिकांश इच्छाएँ ऐसी ही होती है. ये शराब पीने की इच्छा जैसे बता रहा था, अभी वो विद्यार्थी भारत से अमेरिका गया तो उसको तो अपना जीवन बनाना था, अपना करियर बनाना था, पर वहाँ पे उसके मित्र ने बोला थोड़ा पी लो और शराब, थोड़ा और पी लो, थोड़ा और पी लो. तो क्या हो गया, वो शराब को, शराब तो दुनिया में कहीं कितने सारी जगह पे हम देख सकते हैं, पर उससे देख के इच्छा जागृत नहीं हुई. कोई और उसका भोग करते हुए देखा है तो उससे इच्छा जागृत, उससे इच्छा जागृत हो जाती है. तो अभी क्या है, हमारे संबंध जो है उसमें भी हम जिससे संबंध रख रहे हैं उनका हम संग कर रहे हैं, तो उनके संग से हमें कुछ इच्छाएं जागृत हो जाती है. तो अगर वो जो इच्छाएं जागृत हो रही है वह अगर बुरी इच्छा है, वो मतलब उनके लिए भी बुरी है, हमारे लिए भी बुरी है, और प्रेम के नाम पे हम वो कार्य करने लगते हैं, तो फिर वो जो प्रेम है वो हेडलेस है, वो सेल्फलेस नहीं है. वो जो प्रेम है बुद्धिहीन. तो प्रेम में हम संग करते हैं, संग से इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, और वो इच्छाएं अगर बुरी है तो वो प्रेम जो है वो बुद्धिहीन प्रेम है, और वो प्रेम हमको नीचे ले जाएगा. तो ऐसे नहीं है कि हमें उस संबंध को तोड़ देना है, पर हमें समझना है कि सिर्फ ये संबंध है इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्यक्ति जो भी मुझे बोलेगा मैं करूँगा. धृतराष्ट्र की ये कमजोरी थी कि दुर्योधन को कभी नाराज़ नहीं देख सकता था, और दुर्योधन नाराज़ होकर या नाराज़गी का नाटक करके जो भी चाहता था वो धृतराष्ट्र से करवा लेता था. कुछ लोग होते हैं वो अगर एक दूसरे को जान लेते हैं तो क्या होता है, ये व्यक्ति को कैसे बटन दबाना है समझ जाते हो. मैं क्या बोलूँ क्या करूँ वो नाचने लगे जैसे मुझे बोल लगे. तो अगर हम बुद्धिमान नहीं हैं तो प्रेम के नाम पे हम मैनिपुलेट हो जाते हैं. हमको लोग एक वस्तु बना देते हैं, एक औजार बना देते हैं, एक निमित्त बना देते हैं, जिससे कि जो वो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं. इसलिए हमें देखना है कि हमारे संबंधों में संबंध, इस संबंध से मुझ पर प्रभाव क्या हो रहा है, मैं किस प्रकार के कार्य कर रहा हूँ. अभी ऐसे नहीं कि संबंध बुरे हैं, कई बार संबंधों से हम जिम्मेदार हो जाते हैं. कोई व्यक्ति अकेला है और फिर विवाह कर लेता है, तो विवाह कर लेता है तो फिर और जिम्मेदार बन जाता है कि ठीक मैं अकेला नहीं हूँ, भी दूसरे का भी मुझे विचार करना है. फिर बच्चे हो जाते हैं तो और जिम्मेदार बन जाता है व्यक्ति कि भाई मैं हम दोनों को खुद का भोग का बात नहीं कर रहा, इसके बच्चे की भी देखभाल करनी है. तो उससे क्या होता है, संबंधों से हम जिम्मेदार भी बन सकते हैं, पर हर संबंध से हम ऊपर उठ रहे हैं या नीचे जा रहे हैं यह हम पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते. हमको खुद को देखना चाहिए इसका परिणाम मुझ पे क्या हो रहा है. और जब इस तरह से हम समझते हैं, इस तरह से हम कार्य करते हैं, तो फिर हम उन रिश्तों को जोर देंगे जो हमको ऊपर उठाते हैं, और जो रिश्ते हमको नीचे खींचते हैं, गलत कार्य में लगाते हैं, उसके बारे में हम थोड़े सावधान रहेंगे, उसके बारे में हम चौकन्ने रहेंगे. तो ये दूसरा पॉइंट था कि किस तरह से संबंधों के द्वारा हम विकृत हो जाते हैं. और किसी का सवाल है कोई अभी अब तक? ओके जी, हमें नया रास्ता बनाना चाहिए भगवान की तरफ जाने के लिए. तो जिस पुराने रास्ता है उसमें फ्लो होते जाता है, उसमें मतलब थोड़ा सा भी वाटर आता है तो वो फ्लो कर जाता है, बट नए रास्ते पे थोड़े से जाने के बाद ही फ्लो जाता है. ओके तो उसको कैसे कंटिन्यू? अच्छा सवाल है कि अगर हमने पुराना कोई रास्ता बना हुआ है हमारे चेतना में तो उसकी ओर पानी आसानी से चला जाता है, पर अगर कोई नया रास्ता बना रहे हैं तो उसमें पानी जाता नहीं है, तो क्या करें उसके बारे में? हाँ, ये सब ये समस्या है. अभी नया साल शुरू हुआ तो लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं. तो एक रिसर्च हुआ था, संशोधन हुआ था कि लगभग लोग जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं 90% ऑफ द रेजोल्यूशंस ऑन न्यू ईयर आर नॉट न्यू.
जो 90% फैसले करते हैं मैं ऐसे करूंगा नए साल पे, तो फैसले नए ही नहीं होते, पिछले साल भी किए थे उन्होंने, उसके पिछले साल भी किए थे, पर वही होते रहता है। तो क्या है, आदतों को बदलना मुश्किल होता है। ये सबके लिए ये सत्य है, और उसमें थोड़ा संघर्ष होता है। पर क्या है कि हमें जब आदत बनानी है कि उसको, अच्छा ये है कि मेक फाइनाइट स्टेप्स, स्मॉल सिंपल स्टेप्स, जो भी आदत बनानी है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं अब किसी को आदत बना चाहता है कि मैं अभी एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, या मैं आई विल ईट हेल्दी, मैं अच्छा अनहेल्दी फूड नहीं खाऊंगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा अन्य को नहीं खाऊंगा, तो क्या अगर कोई कहता है कि मैं आज से ज़िंदगी भर कभी स्वीट्स नहीं लूँगा, जैसे हम जिंदगी भर बोल देते हैं तो वो एक दिन भर भी नहीं रहता है। मन सोचता है जिंदगी भर, अरे कैसे संभव है ये, तो बिल्कुल संभव नहीं होगा, तो वो हम छोड़ देते हैं। तो सिंपल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स चालू करिए। ठीक है, अगर मैं कहता कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज करने वाला हूँ, मैं 5 मिनट रोज एक्सरसाइज करूँगा। अगर मैं जब करना चाहता हूँ, तो अगर मैं जब कर रहा हूँ पर मैं अगर जब मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ, मैं 16 माला ध्यानपूर्वक जब करूँगा। ऐसे अगर मैं बोलूँगा तो क्या होगा, वो 16 माला छोड़ो, एक मंत्र भी ध्यानपूर्वक नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ 5 मंत्र, मैं 16 माला कर, मैं इतने माला कर रहा हूँ, सिर्फ 5 मंत्र मैं कम से कम ध्यानपूर्वक बोलूँगा। 5 बोलेंगे तो 5 हो जाएगी, फिर 5 थोड़ा और बढ़ जाएगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो क्या है, जो भी हमें नई आदत लगानी है उसको, हमारी इच्छा या हमारी महत्वाकांक्षा बड़ी हो सकती है, हम बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, पर स्टार्ट विथ सिंपल स्मॉल स्टेप्स। इसको 4S फॉर्मूला कहते हैं, स्टार्ट विथ सिंपल स्मॉल स्टेप्स। अगर ऐसे करते हैं हम, तो फिर धीरे 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 वो बढ़ते जाता है। जैसे मैं लेखक हूँ, मैंने कई 25 लगभग किताबें लिखी हुई है, पर पिछले चार पाँच सालों से मैं काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूँ, लगभग 8-9 महीने साल के मैं भारत से बाहर रहता हूँ, तो अभी लिखने के लिए उतना समय नहीं मिल रहा है मुझे। तो फिर अभी मैं काफ़ी समय सोचा था समय मिलूंगा तो मैं लिखूंगा, पर जब हमको समय मिलूंगा जब ये करूंगा तो वो समय कभी मिलता ही नहीं है। तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं रोज़ कम से कम 6 मिनट लिखूंगा। अभी 6 मिनट ज़्यादा बड़ा नहीं, 6 मिनट में क्या होगा, पर मैं देखा 6 मिनट में अगर लिखना चालू कर दिया तो लगभग 100 से 200 शब्द लिख सकते हैं, और अगर रोज़ 100 से 200 शब्द लिख रहे तो हफ्ते में लगभग 1000 शब्द हो जाते हैं। तो धीरे धीरे फिर 6 मिनट लिखते हैं और थोड़ा लिख सकते हैं। आज 6 मिनट लिखा, मैं कल 12 मिनट लिख दूंगा। 6 मिनट क्या है, बॉटम है, ये मिनिमम नहीं है, मतलब वो मिनिमम है, उतना लिमिटेड नहीं है, उससे और भी लिख सकते हैं। तो क्या है, जब हम सबको, जब भी हम कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो हम सबको एक तरह से कॉन्फिडेंस लगता है कि मैं कर पाऊंगा, और जब हम बहुत बड़ा ध्येय रख देते हैं तो पहले से हमको थोड़ा इनसिक्योरिटी होता है, थोड़ी कम आत्मविश्वास कमी होती, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और फिर नहीं कर पाए तो फिर मन करे, देखो मैंने बोला था तुम कर ही नहीं पाओगे, और फिर जब मन बोलता है तुम कर ही नहीं पाओगे तो हमको बोलते ठीक है नहीं कर पाऊंगा, छोड़ देता हूँ, प्रयास भी छोड़ देते हैं। पर क्या, छोटी सी चीज़ से शुरू करो, और छोटी चीज़ पूरी करेंगे फिर उसको ये मत बोलिए इतनी छोटी चीज़ से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कम से कम इतना तो कर लिया, और फिर और कर सकते हैं, और कर सकते हैं। ओके, तो आखिरी पॉइंट जो मैं चर्चा कर रहा था, पहला पॉइंट मैंने चर्चा किया किस तरह से कि प्रेम, अगर हम उसको भावना या अपेक्षा के रूप में देखते हैं तो फिर हम कभी कभी उससे हमारा प्रेम बुद्धिहीन हो जाता है, पर प्रेम को एक कार्य, एक निर्धार के रूप में देखते हैं तो फिर हम वो प्रेम वास्तव में स्थायी हो सकता है, वो प्रेम निस्वार्थ हो सकता है, भले ही वो दूसरा व्यक्ति जैसे मैं चाहता है वैसे न करे तभी मैं करते रहूँगा। तो जब बुद्धिहीन प्रेम जो है, जैसे धृतराष्ट्र का था, उससे उसका पतन हो गया, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि प्रेम विकृत क्यों होता है, क्योंकि जैसे जो आत्मा शुद्ध है, शुद्ध भगवान से प्रेम करना चाहता है, पर शरीर और मन का जो आवरण है उसके अनुसार अनेक लोगों से वो प्रेम करता है अभी, और हर एक संबंध में जिस प्रकार की इच्छाएँ आती हैं हमारी, उसके अनुसार हमारा हम ऊपर जा सकते हैं नीचे जा सकते हैं। तभी आखिरी पॉइंट देख रहे हैं कि कैसे हम हमारे संबंधों के द्वारा ऊपर उठ सकें। तो अभी इसमें वैसे बताया कि हमारे हॉरिजॉन्टल इस दुनिया में कुछ संबंध है बाकी लोगों के साथ, जो वर्टिकल है वो भगवान के साथ संबंध है। तो अभी जो हमारा भगवान के साथ संबंध है वह सबसे महत्वपूर्ण संबंध है हमारा,
क्योंकि वो स्थाई संबंध है और वो संबंध हमारे सारे संबंधों का नींव या उनकी शक्ति बन सकता है। इसका मतलब क्या है कि भले ही कोई व्यक्ति हमारे साथ हो या ना हो, कोई व्यक्ति हमारा सहयोग करे या ना करे, भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और जब हम भक्ति के मार्ग से भगवान से संबंध को सुदृढ़ बना देते हैं तो उस संबंध के द्वारा हमको एक स्थिरता मिलती है। तो जो भी संबंध होते हैं, हर संबंध में कुछ चढ़ाव उतार तो आने ही वाला है। कभी हम कुछ गलत कर देंगे, कभी वे कुछ गलत कर देंगे, कभी कुछ संबंध ऐसे हो जाते हैं कि उसमें ऐसे विस्फोट होने लगता है, ये गड़बड़, इसने ऐसे बोला, उसने वैसे कर दिया। तो ये जो तनाव आते हैं संबंध में, अगर हमारा भगवान से संबंध स्थिर है तो उससे हमको शक्ति मिलेगी जिससे कि ये संबंधों में जो तनाव आते हैं उसको हम सामना कर सकते हैं। अभी कैसे होता है, मान लीजिए कोई सागर में जा रहा है कोई, तो अगर सागर में लहरें आती है, एक लहर आएगी उसको इधर फेंक देगा, दूसरी लहर आएगी उसको उधर फेंक देगा। पर अगर वो व्यक्ति सागर में नहीं है, एक नाव में है, तो फिर क्या, उसको भी लहरें आएगी पर नाव वो लहरों को संभाल सकती है। और केवल नाव ही नहीं है, नाव किसी लंगर से जुड़ी हुई है, तो फिर क्या होगा, वो और स्थिर हो जाएगी। तो हम अगर हमारी बुद्धि को साथ में नहीं रखते हैं तो हम सागर में गिरे हुए जैसे, ये मुझे अच्छा लगता है ऐसा कर देंगे, अच्छा ही लगता है वैसा कर देंगे, तो हम केवल वो लहरों पे निर्भर हो जाते हैं। पर जब हम बुद्धि से कार्य करते हैं, वो बुद्धि जो है एक नाव के समान है। बुद्धि से भावनाओं का प्रहार होता है पर वो उतना उसका प्रभाव नहीं होता है, प्रहार है पर प्रभाव कम हो जाता है। और जो हमारी भक्ति है, हमारी जो भक्ति है वह एक लंगर के समान है। जब ऐसा एंकर होता है, लंगर होता है, तो उससे स्थिरता आती है। तो ठीक है, ये व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा, कैसे हो, कैसे 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 कर सकते हो, ऐसे क्यों किया उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ ठीक है, पर जो हुआ है, वो व्यक्ति भले ही मुझसे नाराज़ है, मुझसे द्रोह किया है, विश्वासघात किया है, जो भी किया है, फिर भी भगवान मेरे साथ है। तो भगवान के स्मरण से हमको थोड़ी शक्ति मिलती है और फिर उस शक्ति के द्वारा फिर उस परिस्थिति में क्या करना है वो शांति और बुद्धि से हम समझ सकते हैं। अगर जो भगवान से संबंध स्थिर नहीं है तो क्या होता है, हमारे जो भी संबंध आते हैं उन संबंधों में हम बहुत जोर देते हैं, उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। और अगर वो संबंध, अगर वह उसमें कुछ गलत हो गया तो हमको लगता है मेरा जीवन ही खत्म हो गया, मेरा जीवन ही व्यर्थ बन गया। पर नहीं है, हमारे जीवन में संबंध होते हैं, संबंध महत्वपूर्ण है, पर हर संबंध में तनाव आता है कभी कभी, बट वी आर बिगर देन आवर रिलेशनशिप्स। हमारे संबंध है पर उससे हम अलग हैं, और संबंध आएगा जिससे आएगा पर हमारा अस्तित्व तो वैसे ही रहने वाला है। अगर कोई व्यक्ति वो संबंधों में इतना जोर दे देता है कि अगर वो संबंध में कुछ समस्या आ गई, कहता है कि अभी मेरा जीवन ही खत्म हो गया। खास करके ये होता है आजकल के समाज में, खास करके अमेरिका में, भारत में भी हो रहा है, लोग जब कॉलेज में होते हैं तो वो डेटिंग करते हैं कि ये लड़का इस लड़की के साथ ऐसे रहते हैं, और फिर अगर ब्रेकअप हो जाता है तो एक जगह ब्रेकअप हो जाता है, दूसरी जगह ब्रेकडाउन हो जाता है। वो दोनों का संबंध टूट जाता है पर वो पूरा हताश हो जाते हैं। मैं जब अमेरिका में था, अमेरिका में पहली बार गया था, तो तभी मैं एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चर दे रहा था, वहाँ पे मेरा टॉपिक था कि रेगुलेटिंग आवर मेंटल डाइट। जैसे हम हमारा अन्न जो खाते हैं उसको ध्यानपूर्वक जांच करते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वैसे हमारा मन में जो भी डाल रहे हैं उसकी जांच करनी चाहिए। तो वो लेक्चर के बाद एक अमेरिकन युवक मुझसे मिलने आया, बोला कि इस प्रवचन के पहले ही, इस प्रवचन नहीं बोला वो, इस क्लास के पहले, कॉलेज में सेमिनार था वो, इस क्लास के पहले वो मैं आत्महत्या करने की सोच रहा था। उनसे क्या हुआ था, बोला था कि मैं, मेरा एक लड़की से संबंध था और शी ब्रोकअप विथ मी, उसने संबंध तोड़ दिया तो बिल्कुल हताश हो गया था, और फिर हताश होके मैं ऐसे ही घूम रहा था और हताश होके वो आत्महत्या करने सोचा था। खास करके यूनिवर्सिटीज़ में आत्महत्या की बहुत भय होता है, समस्या होती है,
और लगभग 5-7 साल पहले अगर आप देखते हैं, अभी थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, 5-10 साल पहले पाश्चात्य देशों में यूनिवर्स जो आत्महत्या होती थी वो मोस्टली रिलेशनशिप ब्रेकअप के कारण होती थी, संबंध टूट गया, लोग हताश हो गए। भारत में जो लोग आत्महत्या करते हैं वो 5-10 साल पहले तो ऐसा था कि वो रिलेशनशिप के कारण नहीं थे, वो स्टडीज़ के कारण था कि मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, मुझे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो वो आत्महत्या कर देते। पर अभी जो ऐसे जो फ्री मिक्सिंग कल्चर और आ रहा है तो भारत में भी उस भारतीय विद्यार्थी भी उसी कारण आत्महत्या कर देते। तो मैं IIT में लेक्चर दे रहा था तो वहाँ पे IIT के सीनियर प्रोफेसर थे, वो आए थे मेरे एक लेक्चर के लिए और बता रहे थे कि हमें बहुत चिंता हो रही है कि IIT खड़गपुर में हमारे सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी भारत से यहाँ पे आए हुए हैं पर ये अनेक लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो IIT मुंबई में भी ऐसे ही हुआ था, तो सारे जो विद्यार्थी थे जो आत्महत्या कर रहे थे एक पद्धति से आत्महत्या कर रहे थे, वो क्या करते थे, वो अपना कमरा बंद कर लेते थे, एक रस्सी से खुद को फ़ैन को लटका देते थे और एक लकड़ी से फ़ैन को चालू कर देते थे। तो फिर वो जैसे कई आत्महत्या हो गए तो IIT में के मैनेजमेंट ने एक इमरजेंसी मीटिंग लिया कि आत्महत्या हो रही है, किसको रोकना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक यूनानिमसली पूरे सहमत होकर एक प्रपोजल पास कर दिया कि सारे IIT के हॉस्टल्स में फैन को AC से रिप्लेस कर दो। अभी फैन के कारण कोई आत्महत्या नहीं कर रहा है। पर क्या है, उनको पता ही नहीं क्या करना चाहिए, बोले कम से कम ये तो कर देते। पर ये बहुत बड़ी समस्या है। तो वैसे ये विद्यार्थी ऐसे ही बोल रहा था, तो बेसिकली जब आत्महत्या कर कई कारण हो सकते हैं पर उसका मूल क्या है कि एक चीज़ को वो सब कुछ बना देता है। अभी एक एग्ज़ाम में फेल हो गए, अच्छा फेल होना बुरा है पर उसको वो जीवन का तो अंत नहीं है। एक रिश्ता अगर टूट गया बुरा है पर वो जीवन का अंत नहीं है। वो ये तमोगुण का लक्षण है कि एक चीज़ को सब कुछ बना देना, यत् कृत्स्नव एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम् अत्वार्थवद् अल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। भगवद्गीता के 18वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जब व्यक्ति एक चीज़ को सब कुछ बना देता है वो तमोगुण का लक्षण है। तो ये विद्यार्थी भी ऐसे ही बोल रहा था। तो फिर तो बोला कि जैसे ऐसे मैं कैंपस में जा रहा था और जब इसने मुझे जब मैं ऐसे जा रहा था सोच रहा था अभी आत्महत्या करनी है नहीं करनी है, तो तभी मैंने एक कार्यक्रम का पोस्टर देखा। तो ये सब लगा अंदर से कुछ देखते क्या कार्यक्रम होगा। तो बोला कि अभी मैं ये कार्यक्रम में आया हूँ तो मुझे समझ में आया है कि वास्तव में मैं आत्महत्या नहीं करना चाहता, मेरा जो मन है वो कह रहा है आत्महत्या करो आत्महत्या करो आत्महत्या करो। तो फिर मैं उसको बोला कि यू हैव गॉट अ लाइफ सेविंग इनसाइट, आपको ये समझ मिली है वो आपको जीवन बचाने वाली समझ है। तो मैंने उसको वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में भक्ति योग क्लब था, मैं उसको बोला कि आप वहाँ पर जा सकते हैं, उसको भगवद्गीता पढ़ने को बोला, जो मैंने बताया सब भगवद्गीता से है। मैं रोज़ भगवद्गीता पे एक छोटा सा लेख लिखता हूँ, गीता डेली मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे लगभग फेसबुक पे लगभग और नियरली 1 मिलियन लोग वो फॉलो करते हैं। मैं उसको बोला कि भगवद्गीता का व्यवहारिक हमारे जीवन में कैसे हम अमल कर सकते हैं वो हर अलग अलग श्लोक लेकर समझाता। तो उसको बोला कि आप गीता डेली पढ़ सकते हैं। और फिर जब भी मैं उस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, साल में अमेरिका में 2 बार जाता हूँ मैं नॉर्मली, तो जब भी जाता हूँ तो उसको मिलता हूँ। तो पिछले साल जब वापस गया था तो उसे मिला था और वो बोला था मुझे वापस वैसे ही पसंद आया मेरे जी, क्योंकि मैं कई लगभग 1-1.5 साल से एक ही संबंध में था। ये अमेरिकन लोगों के लिए एक रिकॉर्ड है 1-1.5 साल के एक संबंध में रहना। तो फिर एक्चुअली मैं एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में था, इंटरफेथ मतलब अलग धर्मों से लोग आते हैं, तो सब धर्मों में समस्या है, क्रिश्चियन धर्म में भी समस्या है कि लोग विवाह करते पर मैरिज स्टेबल नहीं होते, लोग ब्रेकअप करते। तो एक चर्च का एक फादर था बता रहा था कि हमने एक सिस्टम बनाया है जिससे कि हम विवाह को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो क्या है सिस्टम, बोले थे कि हर 5 साल के बाद अगर वो 5 साल तक कोई परिवार साथ में रहता है तो उनकी एनिवर्सरी हम चर्च में सेलिब्रेट करते हैं। क्या 5 साल साथ में रहे, बड़ी चीज है। तो आप 10 साल साथ में रहे, 15 साल साथ में रहे, तो कई बार बोल रहे थे हमको लगा ये बहुत यशस्वी हो रहा है। तो फिर क्या हुआ, बोले कि हमने देखा कि कई कपल्स
वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने के बाद फिर वो ब्रेकअप कर देते थे. तो ये समस्या काफी कठिन है, पर फिर भी तो वो लड़का मुझे बोला कि वापस ऐसे ही प्रसंग आया, ये लड़की ने मुझे मैसेज कर दिया कि आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू और तुम, मैं तुमको ब्लॉक कर रही हूँ, मुझे मुझे फ़ोन करने का प्रयास मत करो, मुझे मिलने का प्रयास मत करो. तो ये मैं सुन हो गया और वो अपने कमरे में चला गया. अभी कमरे जाके उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, लाइट खिड़कियाँ बंद कर ली, लाइट बंद कर लिया. और तभी अभी जब जो वक्ति क्लब में आ रहा था वहाँ पे कॉलेज में, तो उसको तो संगीत की रुचि थी, तो उसको वो वायलिन प्ले करता था और जब कीर्तन हुआ करता था वहाँ पे तो वायलिन बजा के वो कीर्तन में भाग लेता था. तो अचानक वैसे हताश होकर आ गया था और अचानक उसको कुछ ऐसे लगा, अपने अंदर से कुछ आवाज़ आई और उसने अपना वायलिन उठा लिया और वो हरे कृष्णा गाने लग गया. और वो बोला कि मैं 6 घंटे तक गा रहा था, पूरा अंधेरा था, पूरा रूम बंद था, खिड़कियाँ बंद थी, लाइट बंद था. और बोला कि मुझे उस समय सही में कुछ दिव्य अनुभव हो गया, भले ही मैं बहुत दुखी था, मैं अंधेरे में था, मुझे लगा कोई रोशनी में मैं नहला रहा हूँ, नहा जा रहा हूँ मैं. मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई कोई दिव्य अस्तित्व है जो मुझे आलिंगित कर रहा है. और दैट विच वुड हैव बीन द मोस्ट डिप्रेसिंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ ऑफ माई लाइफ बिकेम अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. जो मुझे बड़ा हताश कर देता था उस समय क्या हो गया, मुझे एक ऐसा दिव्य अनुभव आ गया जिससे मुझे प्रेरणा मिल गई. तो यहाँ पे है क्या हो गया उसका, अभी जो जो विकट जो दुख वो तो आया है, ऐसे नहीं भगवान ही कहते कि आप भक्ति करके दुख नहीं आएगा. मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा तरिष्यसि, वो कहते हैं कि आपके जीवन में दुख आएगा पर अगर आप मेरी चेतना में आओगे तो आप उस दुख के परे जा पाओगे. तो वो जो जो संबंध टूट गया वो तो टूट गया, पर उसने क्या किया उस समय, जो मन जो बोल रहा था वो करने के जगह भैया, मन क्यों बोल रहा था, क्योंकि पूर्व संघ ऐसा होता है, वातावरण में देखते हैं लोग आत्महत्या कर देते हैं, लोग बुरे कार्य कर देते हैं, पर भक्तों के संग में आया था, भक्तों से कुछ भगवत का ज्ञान मिला था, तो क्या हुआ वो नीचे जाने के जगह पे ऊपर उठ गया. उसने भक्तों के संग से भगवान का आश्रय ग्रहण कर लिया. अभी उस समय भक्तों का संग उसको मिला भी ना हो उस समय, पर क्या है, अगर हम भगवान की ओर जाने का प्रयास करते हैं तो जब हमें ज़रूरत होगी भगवान अंदर से हमें बोलेंगे ये मत करो ये करो, और हम सुनेंगे तो हम सही मार्ग पे आ जाएंगे. तो अभी अभी हमें हमारे जीवन में भविष्य में क्या परिस्थितियाँ आने वाली है हमें किसी को पता नहीं है, कैसे हमारे संबंध में चुनौतियाँ आएगी, क्या विपत्ति आएगी, कुछ पता नहीं है. सो वी डोंट नो वॉट द फ्यूचर होल्ड्स, बट वी डू नो हु होल्ड्स द फ्यूचर. भविष्य में क्या आने वाला है हमें पता नहीं है, पर भविष्य किसके हाथ में है वो हमें पता है. किसके हाथ में है, वो भगवान के हाथ में है. तो अगर हम वर्तमान में भगवान से संबंध स्थिर बना लेते हैं प्रामाणिकता से भक्ति करके, तो फिर और भक्तों से संबंध जोड़ते हैं, भक्तों से मतलब कोई भी मंदिर में आ रहा है वो भक्त हो सकता है नहीं हो सकता है, पर ऐसे भक्तों से संबंध जिससे कि हम ऊपर उठ रहे हैं. कहते हैं मैं भक्तों के संग में आता हूँ और सारे बाकी दूसरे भक्तों का दुर्गुण बोलता हूँ, ये इसने ऐसे किया उसने वैसे किया, तो भक्तों का संग नहीं है. भक्तों के संग में आके हम ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि हम सब ऊपर उठते हैं. तो उससे क्या होगा, भले ही हमें भविष्य में क्या समस्या आएगी वो पता नहीं है, पर रिश्तों में जो विपत्तियाँ भी आ जाएगी फिर भी हमें अंदर से वो शक्ति मिलेगी, अंदर से वो बुद्धि मिलेगी, और फिर हम जो है बुद्धिमत्ता से निस्वार्थता से हम प्रेम कर सकते हैं. कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे जीवन में हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं पर वो हमारी परवाह करते ही नहीं है, और हमको लगता है ये ऐसे क्यों है, मैं इतना कर रहा हूँ इस व्यक्ति के लिए पर ये कुछ कर ही नहीं रहा है मेरे लिए. पर कभी क्या होता है, अलग अलग लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है. जो हम देखते हैं जीवन एक तरह से रेसिप्रोकल है, आदान प्रदान करता है. अगर हम प्रेम देते हैं तो हमको प्रेम मिलेगा, पर शायद उसी व्यक्ति से नहीं मिलेगा. हमारे व्यक्ति में आप जानते हैं इस व्यक्ति ये व्यक्ति मुझे एक एक मेरी ओर देख के एक थोड़ा स्माइल कर दे, पर वो देखते ही नहीं हमारी ओर. पर दूसरे कुछ लोग होते हैं जो हमसे अच्छा आदान प्रदान करते हैं,
पर हम उनकी परवाह नहीं करते। पर अगर हमें कुछ कुछ संबंध मुश्किल होते हैं, कि एक प्रसंग के साथ मैं अंत करूँगा कि कभी कभी ऐसे होता है कि एक मैं मेलबर्न में था, वहाँ पे एक भक्त ने सवाल पूछा कि अगर कोई भक्त है, एक वो कहता एक भक्त है, उसने मुझे बताया कि साहब मेरे मुंह पे कहा है कि मैं तुमको पसंद नहीं करता, तुम मुझे अच्छे नहीं लगते। तो अभी कोई मुझे अगर ऐसा बोलता है, अब मुझे उनके साथ सेवा करनी है, तो मुझे सेवा कैसे करनी चाहिए? और अगर वो भक्त यहाँ पे अभी है तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? तो मैंने कहा कि क्या है कि हर संबंध में आदान प्रदान होता है, पर जो भक्त का संबंध है उसमें केवल मैं और वो व्यक्ति नहीं है, एक तीसरे व्यक्ति है। कौन है? भगवान कृष्ण है। तो वो व्यक्ति कैसे, साधारणतः तुमने ऐसे किया मेरे साथ, मैं ऐसे करूँगा तुम्हारे साथ, वो हमारा भाव होता है। पर जब हम भक्ति करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मैं कैसे कार्य करूँ जिससे कि भगवान प्रसन्न हो। तो अगर वो भाव रखते हैं तो केवल उस व्यक्ति का कैसे भाव बर्ताव कर रहे हैं वो देखेंगे हम, पर केवल उस व्यक्ति के बर्ताव के आधार पर हमारा कार्य नहीं करेंगे। तो मान लीजिए कोई कपड़े का दुकान है, उसमें कोई अटेंडेंट है जो कपड़े दिखाता है लोगों को। तो अभी जब ग्राहक आते हैं साधारणतया, तो चारों जो अटेंडेंट होते हैं वे आते हैं ग्राहक के पास, मैं तुमको दिखाऊंगा कपड़ा। तो कुछ तो साधारणतः उत्साह होता है, पर कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं वो 100 कपड़े देखते हैं और एक भी कपड़ा लेते नहीं। अरे ऐसे नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार ऐसे ही करते। तो कभी कभी क्या होता है, तो अगर ऐसा ग्राहक आता है तो सारे अटेंडेंट दूर चले जाते हैं। कुछ लोग, सम पीपल ब्रिंग हैप्पीनेस वेर एवर दे गो एंड सम पीपल ब्रिंग हैप्पीनेस वेन एवर दे गो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां जाते हैं वहां पे सुख जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जब जाते हैं तब सुख लाते हैं। तो जब ऐसे होता है तो मान लीजिए अभी कोई अटेंडेंट है, जो कोई सेवक है वहाँ पे, और वह ऐसे ग्राहक आ गया जो बहुत परेशान करता है लोगों को, जो सब सेवकों को, और उससे बात कर रहा है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो अगर कोई हमेशा चिड़चिड़ा रहता है तो दूसरा व्यक्ति थोड़ा नाराज़ हो जाता है। तो अभी एक स्वाभाविक रूप पे ऐसे कहते हैं तुम इतने चिड़चिड़े हो, वो भी थोड़ा चिड़चिड़ा होकर शायद बात कर सकता है। पर अगर वो उससे जानता है कि यहाँ पे कैमरा है और कैमरा से अरे बॉस देख रहे हैं, तो मेरी जो तनख्वाह है ये इस ग्राहक से नहीं आ रही है, मेरे बॉस से आ रही है। और इसीलिए वो व्यक्ति कितना भी बुरा बर्ताव क्यों ना करे, ये अच्छा बर्ताव। अभी अच्छा बर्ताव का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति अगर सामान चोरी कर रहा है तो उसको चोरी करने दे। अच्छे बर्ताव में भी लिमिट्स होता है बुद्धिमत्ता से। तो अभी क्या होगा, शायद वो ग्राहक नहीं खरीदेगा और ग्राहक चला जाएगा, पर अगर बॉस देखता है, बॉस कहता है, बाद में आता है कहता है कि अरे यू आर अ कूल गाय, कि जो टफ कस्टमर होते हैं उनसे कैसे बातचीत करनी है तुम जानते हो, मैं तुमको ये सारे फ्लोर का हेड बना देता हूँ, और बाकी सब जो सेवक है उनको आप कैसे हैंडल करना है ये तुमको ट्रेनिंग दो, तुमको दिखाओ। तो क्या हो गया, एक तरह से वो अगर उस सेवक की ये परिभाषा होती है कि मेरा यश ये है कि मैं ये सेल कर पाता, तो वो सेल नहीं कर पाया, वो हार हो गई उसकी। पर उसकी वही परिभाषा नहीं है, उसकी परिभाषा क्या है कि मुझे मेरे बॉस को खुश करना, और यहाँ पे सेल नहीं हुआ फिर भी बॉस खुश हो गया। तो उसी तरह से क्या है, हम जब आदान प्रदान करते हैं तो क्या है, हमारे भगवान को कोई कैमरा ज़रूरत नहीं है देखने के लिए, भगवान हम सबके हृदय में है और भगवान देख रहे हैं। और कुछ कुछ ऐसे संबंध होते हैं कि वो बहुत मुश्किल होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ बात करना भी, उनके साथ रहना, उनके साथ सेवा करना मुश्किल होता है, पर वो जो मुश्किल है वह भगवान भी समझते हैं। अगर हमारे लिए किसी व्यक्ति के साथ काम करना मुश्किल है तो वो मुश्किल से हम जा रहे हैं वो भगवान भी समझते हैं। तो इसलिए
भले ही उस व्यक्ति का हम सेवा करने का प्रयास कर रहे, व्यक्ति बड़ा ही बुरी तरह से बातचीत करे, ये करे वो करे, पर अगर हम सेवा भाव बरकरार रखते हैं, सेवा भाव का मतलब नहीं कि वो व्यक्ति जो भी करे और उसकी मनमानी हम स्वीकार कर लें, पर सेवा के लिए जो ज़रूरी है वो हम करते हैं, तो भले ही वो व्यक्ति प्रसन्न ना हो पर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान देखेंगे तुम सहन, तुम नम्र रह रहे हो, तुम सहनशील रह रहे हो, और भले ही उस संबंध में हम कुछ यश न मिले पर हमारा भगवान के संबंध में हमारी प्रगति होगी। हाँ, तो इसलिए जब हमारी दिव्य दृष्टि हो जाती है हमारी, तो हम कोई भी संबंध को व्यर्थ नहीं मानते, ये व्यर्थ नहीं है, ठीक है, ये मुश्किल संबंध है पर इसमें भी मुझे भगवान की ओर जाने का मौका है। इस तरह से हम निस्वार्थ भाव रखते हैं। निस्वार्थ भाव मतलब क्या कि बल मैं अच्छे से बर्ताव करूँगा, वो अच्छे से बर्ताव करे या ना करे फिर भी, क्योंकि मेरा बर्ताव इस व्यक्ति के प्रतिकार में नहीं है, मेरा एक बर्ताव जो है वो भगवान की सेवा के लिए। इस तरह से जब हम कार्य करते हैं तो हम देखेंगे कि हम प्रगति करेंगे, हमारी सहनशीलता बढ़ेगी, और कम से कम हमारे दृष्टि से हमारे कारण वो संबंध और ख़राब नहीं होगा, और धीरे धीरे क्या होगा वो संबंध और अच्छा भी बन जाएगा। और कभी दूसरे व्यक्ति भी देखते हैं, अच्छा ये मैं गुस्सा करता हूँ, ये व्यक्ति गुस्सा करता, अभी गुस्सा नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे लोगों में हृदय परिवर्तित हो जाएगा। तो इसीलिए हम भगवान, मैं इस परिस्थिति में भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए इसमें, वो अगर भाव रखते हैं इसने ऐसे बोला है पर मुझे क्या बोलूँ जिससे कि मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूँ, उस समय शायद मुश्किल लगेगा पर कम से कम वो विचार तो करेंगे तो उस दिशा में हमारा कार्य धीरे धीरे जाएगा, और उससे हमारी ओर से हम उस संबंध में स्थिरता ला पाएंगे। और जब इस तरह से स्थिरता आ जाएगी तो कई भक्त देखे हैं मैंने, कैसे होता है कि कोई परिवार में एक भक्त आता है, कोई पत्नी आ जाती है भक्ति में पर पति नहीं आते हैं, कोई माता आ जाती है पर बच्चे नहीं आ रहे हैं, पर मैंने कई परिवारों से बात की, वो कहते हैं कि जब ये भक्त भक्त बन जाता है तो हाँ वो क्या तत्व ज्ञान बता रहा है हम देखते हैं, उसके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है देखते हैं, और अगर वो परिवर्तन सकारात्मक देखते हैं कि पहले इतने क्रोधित थे पर अभी शांत हो गए, ये भक्ति में कुछ होगा, तो पहले वो क्रोध करते थे हम क्रोध करते थे और झगड़ा बड़ा हो जाता, पर वो क्रोध करते हम थोड़ा शांति से काम लेते, तो भले ही वो क्रोध करेंगे पर पता है चलते तुम शांत रह रहे हो, तो क्या होगा न केवल हमारा हम भगवान से भक्ति में प्रगति करेंगे पर दूसरों को भी भगवान की ओर आने में प्रेरणा देंगे, क्योंकि क्या है वो हमारा परिवर्तन देखेंगे। तो इसलिए ये भाव से कार्य करेंगे तो न केवल हम खूब ऊपर उठेंगे पर दूसरों को भी ऊपर उठा पाएंगे, और यही सस्टेनेबल रिलेशनशिप्स, स्थायी संबंधों की ये रहस्य की चाबी है। क्या है कि हम हर संबंध को भगवान की सेवा के भाव से देखें, कि मैं भगवान की सेवा करना मतलब जब उस पर ज़बरदस्ती कर तुम भी भक्ति करो ऐसा नहीं है, पर इस व्यक्ति के साथ मैं कैसे बर्ताव करूं जिससे कि मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं, उचित बर्ताव जिससे कि व्यक्ति कम से कम भगवान के अनुकूल हो जाए, और ये भाव रखेंगे तो हम खुद हमारे संबंध में स्थिरता लाएंगे और दूसरों को भी स्थिरता लाने में मदद करेंगे, और इस तरह से हमारा जो ऊपर का भगवान का संबंध है उससे हमारी बाकी संबंध है वह भी और स्थायी हो जाएंगे। तो सारांश में आज मैं चर्चा की तीन पॉइंट्स में, कैसे कि जो प्रेम करना है हमें वो निस्वार्थ भाव से करना है पर बुद्धिहीन होकर नहीं करना है, तो प्रेम को जब हम भावना या अपेक्षा के रूप में देखते हैं तो कभी कभी हम कहते हैं ये बहुत आकर्षण हो रहा है इससे, ये प्रेम हो रहा है, पर वो भावना चली जाती है और फिर कहते हैं मैं इसके बिना जी नहीं सकता, पहले कहते हैं बाद में कहते हैं मैं इसके साथ जी नहीं सकता, तो संबंध बहुत अस्थायी हो जाते हैं। जैसे अपेक्षा भी अगर हम बहुत रखते हैं तो अपेक्षा पूरी नहीं हो जाती है तो हम हताश हो जाते हैं, पर अगर प्रेम को हम देखते हैं ये एक कार्य है, एक निर्धार है, एक्शन एंड डेडिकेशन, तो हम कार्यों के द्वारा भावनाओं की ओर जा सकते, तो जिस तरह से हम संकल्प कर लेते हैं तो फिर हम जो संबंध को सुधारने के लिए जो हमारी क्षमता में है वो हम शक्ति में कर सकते हैं, कि अगर प्रेम को और भावना या अपेक्षा के रूप में देखते हैं तो हम खुद को असह्य बना देते हैं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता इसको ठीक करने के लिए, और फिर हम देखा कि हमारे प्रेम करने की जो प्रवृत्ति है वो हमको ऊपर उठा सकती है नीचे ला सकती है। अगर हम आसक्त हो जाते हैं, कोई दूसरे के कारण शराब पीने लगता है, कोई दूसरे कारण बुरे कार्य करने लगता है जैसे राष्ट्र विरोधन के कारण किया, तो फिर हम नीचे खींचे जा सकते हैं। तो संबंध में
जो संबंध चाहता कौन है, आत्मा भगवान से प्रेम करना चाहता है, और जो आत्मा भी शरीर से आवृत्त है तो अलग दूसरे जो मानव शरीर में लोग हैं उनसे और बाकी सब लोगों से प्रेम करना चाहता है, पर वो हमारे जो संबंध है उसमें जो संग में जो इच्छाएं होती है, हमारी इच्छाएं केवल एक लकीर के समान नहीं है, त्रिकोण के समान है। तो हमें देखना है कि हमारे संबंधों में हमारे इच्छाओं का क्या प्रभाव हो रहा है, अच्छी इच्छाएं जागृत हो रही है, बुरी इच्छाएं जागृत हो रही है। तो बुरी इच्छाएं अगर जागृत हो रही है तो हमें थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए उस संबंध में, और जो संबंध हमें अच्छी इच्छाएं जागृत करते हैं, भक्तों के साथ जो संबंध है वो अच्छी इच्छाएं जागृत करते हैं, तो उससे हम ऊपर उठते हैं। और जब भगवान के साथ हमारा संबंध जो है वह क्या है, वह हमारा एक लंगर के समान है, हम एक सागर में हैं, हमारी बुद्धि वो नाव के समान है, और जो हमारी भक्ति है वो एक लंगर के समान है। उससे जो भी हमारे संबंध में तनाव आएंगे उसको हम स्थिरता से सामना कर सकते हैं। मैंने वो कहानी बताई कि वो जो विद्यार्थी आत्महत्या करने वाला था पहले, पर भगवान का कीर्तन करके, भगवान का अनुभव करके वो आत्महत्या का इच्छा छोड़ दिया, पर दिव्य अनुभव हुआ उसके उसी समय। तो उसी तरह से अगर हम ऐसे संबंध जोड़ते हैं हमारे जीवन में जो हमें ऊपर उठाते हैं, तो भविष्य में भले ही समस्या क्यों ना आ जाएगी, हमें अंदर से शक्ति और बुद्धि मिल जाएगी जिससे कि हम उनका सामना कर सकें। और ऐसे कोई संबंध है हमारे जीवन में जिसमें दूसरा व्यक्ति बहुत मुश्किल है और वो हमें बहुत परेशान करता है, तो हम अगर सेवा भाव लाते हैं, जैसे कि वो सेवक कोई ग्राहक के साथ करता है, तो उससे भले ही वो व्यक्ति प्रसन्न न हो पर हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, उसके द्वारा हम हमारी दिशा हमारे योगदान से तो कम से कम वो संबंध को और ख़राब नहीं करेंगे, संबंध को और अच्छा बनाएंगे, और हमें परिवर्तित होकर देखकर वो व्यक्ति भी परिवर्तित होने को प्रेरित हो जाएगा। और इस तरह से भगवान से संबंध को एक सेवा भाव में प्रधान जब समझते हैं, प्रधानता देते हैं, उससे हम बाकी संबंधों में स्थिरता ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी कोई सवाल है? तो हम कहते हैं कि हमें खुद का नेम फेम, खुद का गुणगान हमें चाहिए नहीं, हमें उसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, पर वास्तव में इच्छा रखते हैं हम, और जब मिलता है तो हम बड़ा आनंद करते हैं उसमें, तो क्या करें इसके बारे में? तो इसमें एक दो चीज़ें हैं कि एक है कि एक अहंकार के स्तर पे हम गुणगान चाहते हैं, और दूसरा है कि एक ह्यूमन लेवल वी ऑल नीड अप्रिसिएशन एंड एनकरेजमेंट, एक मानवीय स्तर पे हमको सराहना और प्रोत्साहन ये सबको ज़रूरी है। तो अभी देखा है जो भक्ति की संस्कृति है, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अमानिना मान लेना, वो मान की अपेक्षा मत करो कहते हैं, पर दूसरों को मान दो, और उसका मतलब क्या है कि हम दूसरों को मान देंगे, दूसरे हमें मान देंगे, ये भक्ति की संस्कृति है। तो अभी क्या है, हम सबको एक दूसरे को प्रोत्साहन करना चाहिए, एक दूसरे की सराहना करनी चाहिए, और इससे सबको शक्ति मिलती है आगे बढ़ने के लिए। तो अगर हमें लगता है कि मुझे इससे अच्छा लगता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अहंकार के कारण अच्छा लग रहा है। एक मानवीय स्तर पे अगर हमने कुछ सेवा की है, अगर मान लीजिए कोई बड़ा उत्सव आ रहा था, उसमें हमने कुछ गार्लैंड्स बनाए हैं, हमने कुछ ट्रैफिक कंट्रोल जो भी किया, बड़ी सेवा की, अच्छी सेवा की है, तो कोई आपके आपने अच्छी सेवा की, तो ये अहंकार की बात नहीं है, ये केवल एक मानवीय ज़रूरत है, और उसको कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। पर उसमें क्या है कि अगर हम सिर्फ उसी के लिए सेवा करते हैं और वो नहीं है तो सेवा छोड़ देते हैं, तो फिर क्या है, वो थोड़ा हमारी सेवा अस्थिर हो जाएगी। एक तरह से अपेक्षा जरूर, अपेक्षा मानवीय स्तर पर अपेक्षा जरूरी है, सो एक्सपेक्टेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, अटैचमेंट टू एक्सपेक्टेशन इज द प्रॉब्लम, कि अपेक्षा तो स्वाभाविक है, पर अगर वो व्यक्ति वो अपेक्षा से ही आसक्त हो जाता है तो फिर क्या होता है, व्यक्ति फिर अस्थिर हो जाता है। तो अभी मैं लगभग 20-25 साल से प्रवचन दे रहा हूँ, तो पहले जब प्रवचन दिया करता था तो बहुत अपेक्षा होती थी, मैं प्रवचन देने के बाद लोग आके कुछ बोला जाए, आपको अच्छा लेक्चर था, अच्छा लेक्चर था,
और फिर जब प्रिपेयर भी करता था, एक बार मैंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, मतलब मेरी दृष्टि से मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, अच्छी तरह से लेक्चर दिया, और फिर उसके बाद में किसी ने एक शब्द भी कुछ नहीं बोला, तो मुझे तभी थोड़ा बुरा लगा। फिर बाद में मेरे मन में विचार आया, कुछ जब मैं ये लेक्चर की तैयारी कर रहा था तो मैं एक तरह से भगवान की श्रुति में, भगवान के संदेश में मग्न था, जब लेक्चर दे रहा था तभी भी भगवान के संदेश में मग्न था, और जब भगवान के संदेश में मग्न था तो वह तभी संतुष्ट था, एक तो सुखी था। तो अभी उसके बाद में जब कोई सराहना नहीं मिल रही है तो असंतुष्ट हो गया। तो तभी मुझे विचार आया है कि वास्तव में कि ठीक है, कोई सराहना भी करेगा वो कुछ पलों के लिए सराहना होगी, पर अगर भगवान में मन लग जाता है तो उससे जो संतुष्टि है वो काफ़ी उससे ज़्यादा समय तक रहेगी। तो इसमें क्या है कि हम सबको, या अगर कोई अच्छा कीर्तन करता है तो स्वाभाविकता से लगे उसको कीर्तन करने के बाद लोग बोले अच्छा कीर्तन करें, ठीक है वो एक स्वाभाविक, पर अगर हम सेवा करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमको साक्षात्कार हो जाएगा कि सेवा की सराहना से जो सुख मिलता है मुझे, उससे ज़्यादा सेवा में मन लगने में ही सुख मिल रहा है। तो ऐसे नहीं कि हम सराहना नहीं चाहेंगे और सराहना आएगी तो ठुकरा देंगे, ऐसे नहीं है, पर क्या है वो सराहना पर हम निर्भर नहीं रहेंगे। तो अगर कोई भक्त हमें अप्रिशिएट करते हैं तो वी शुड सी appreciation as indirect instruction। कोई अगर हमारा सराहना करते सेवा के लिए, उसका मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि आप ये सेवा अच्छी कर सकते हैं, और सेवा करो ये, तो ऐसे लगे तो उससे हमें गर्व भी नहीं होगा, क्या होगा, हाँ ठीक है ये मैं सेवा भगवान की कृपा से अच्छी कर पा रहा हूँ तो मैं और अच्छी सेवा करते रहूँगा। तो अगर ये अपेक्षा है तो वो पूरा नहीं है, मानव स्तर पर अपेक्षा जरूर है, पर हमारी सेवा को उस अपेक्षा की पूर्ति पर निर्भर नहीं कराना है, उस तरह से रहेंगे तो भले ही हमको आनंद होगा तो वो जो आनंद है उसमें हम फंस नहीं जाएंगे। अगर कोई गुणगान करता है, कोई चीज़ बोलता है तो हमको स्वाभाविक रूप से अच्छा लगेगा, पर उसी का पीछा अगर हम करने लगेंगे और फिर भगवान को भूल जाएंगे तो वो गुमराह हो जाएंगे। पर अगर हम देखते हैं कि अच्छा मैं उनको अच्छी सेवा कर पाया, क्यों कर पाया, ये भगवान की कृपा है, भगवान ने मुझे कुछ क्षमताएँ दी है, कुछ बुद्धि दी है, तो मैं ये और सेवा करूँगा। तो इफ appreciation distracts us from service, then it is bad. But if appreciation inspires us to do more service, then it is good. ठीक है, हरे कृष्णा। बोलिए। अच्छा, थोड़ा जोर से प्लीज। तो अगर हम कुछ गलत चीज़ कर देते हैं, चाहे कुछ संग होता है ऑफिस दफ्तर में वगैरह जहाँ पे उनके प्रभाव में गलत चीज़ हो देते हैं, हमें उसको सही जानते हैं फिर भी गलत होता है, तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं हम, ये सबका संघर्ष है, मेरे स्तर पे ये मेरा भी संघर्ष है। तो इसमें महत्वपूर्ण ये है कि हम कभी भी हौसला न खो दें, क्योंकि अगर गलत हो भी गया तो भी हम उसको सही कर सकते हैं। तो ऐसे है कि इफ़ वी कांट सक्सीड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस
we can fail in Krishna consciousness, not fail out of Krishna consciousness. उसका मतलब क्या है? कृष्ण भावना में अगर हम कुछ सही चीज़ नहीं कर पाए तो हम गलत भी कृष्ण भावना में ही कर सकते हैं. गलत के कारण कृष्ण भावना के बाहर जाने की जरूरत नहीं है. इसका अर्थ क्या है? एक तरह से भाषांतर हो गया. अर्थ यह है कि कृष्ण भावना ये केवल एक कार्य नहीं है, एक भावना है. तो मान लीजिए अगर कोई उपवास करना चाहता है, एकादशी अभी आ रही है, कि मैं निर्जल एकादशी करने वाला हूँ, और करने का प्रयास करता है पर बहुत एसिड हो जाती है, परेशानी होती है, फिर कुछ खा लेता है और फिर बोलता है क्या है, मैं उपवास नहीं कर पाया, मैं हार गया. पर ऐसे नहीं है. अगर ठीक है, खुआ प्रसाद खा लिया, उसके बाद वापस अब जप करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान की चेतना करो, वो हार नहीं है. अगर वो उसे नम्रता आ जाती है उससे और भगवान का स्मरण बढ़ जाता है तो वो एक तरह से यश है. हम समझता है कि मैं कितना कमज़ोर हूँ और भगवान पे कितना निर्भर हूँ. मैं भगवान की पुकार हम और तीव्रता करते हैं, वो यश है, वो पराजय नहीं है. इसके विपरीत मान लीजिए कोई एकादशी को पूरा निर्जल उपवास कर लेता है, और फिर जब निर्जल उपवास कर रहा है तो किचन में जाता है और देखता है कौन क्या क्या खा रहा है. ना आ सकते हैं ये इंद्रतृप्ति करते रहता है. ये तो एक क्या है, एक ग्लटन जैसे इतना खाते रहता है. अगर वैसा अगर हम सोच रहे हैं तो हमारा शरीर उपवास कर रहा है, हमारा जो अहंकार है वो मेजबानी कर रहा है वहाँ पे. वो आर बॉडी इज फास्टिंग बट आवर ईगो इज फीस्टिंग. तो वो व्यक्ति भले ही यशस्वी हो जाए उपवास करने में, वो उपवास में यशस्वी हो जाएगा पर कृष्ण भावना में यशस्वी हो जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहा है. वो देख रहा है मैं कितना आत्मनियंत्रित हूँ, खुद का ही स्मरण कर रहा है. तो इसीलिए क्या है, कृष्ण भावना जो है वो केवल कार्य नहीं है, वो एक चेतना है. इसीलिए ठीक है, अगर परिस्थिति में कुछ किसी परिस्थिति के कारण कुछ हम गलत कार्य कर देते हैं तो जैसे ही समझ आता है कि अभी गलत हो गया तो ठीक है अभी रुक जाओ, अभी सही मार्ग पे आ जाओ, और ठीक है भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि गलती हो गई मुझसे, अभी मैं ये गलती मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और वापस भक्ति में लग जाते हैं. तो क्या होगा, भले ही हम इसे चले जाए कहीं दूर, पर जैसे ही हमको समझ जाएगा तुरंत सही मार्ग पे आ जाएंगे. और ऐसे करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो हम गलत मार्ग पे भी कम जाएंगे. तो ये ऐसे अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए हमें कि मैं कभी गलती करूँगा ही नहीं. ये मुश्किल है, लगभग नामुमकिन ही है. सब हम ऐसे, हमारा मन कमज़ोर है, या आप कैसे उसमें कई बुरे प्रकार के संस्कार है. हमारी जो संस्कृति जो है आजकल की, वह एक तरह से विकृति है, उसमें बुरे बुरे प्रभाव आते हैं. तो गलतियाँ हो जाएगी, पर गलतियाँ हो भी जाती है तो क्या है, सही मार्ग पर जाना चाहिए. तो मान लीजिए अगर आप अभी मैं अभी पंजाबी बाग से यहाँ पे आया मैं कार्यक्रम के लिए, तो एक कार में लेके आए मुझे, तो कार से हम कभी GPS यूज़ करते हैं, तो GPS बोल देता है कि अभी आप लेफ्ट में जाओ, और मान लीजिए इस कारण से हम राइट में चले जाते हैं, तो GPS क्या करता है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, दफा हो जाओ तुम. ऐसे नहीं करता है GPS, क्या करता है, तुरंत रीराउट कर देता है. ठीक है, यहाँ से आप लेफ्ट जाओ, आप आगे जाओ, फिर यू टर्न लो, फिर इधर करो. तो कैसे, भगवान एक अल्टीमेट GPS है. तो भले ही हम कितना भी गलत कर ले, उस जगह से भगवान हमको सही मार्ग पर ले जाते हैं. पर कभी कभी क्या होता है, हमें गलत टर्न लेते हैं और फिर GPS ही बंद कर देते हैं. तो फिर क्या होगा, तो फिर हम खो ही जाएगा. तो क्या है, GPS बंद कर देना मतलब इतना हताश होना कि भक्ति छोड़ देना. तो गलत मार्ग, तो फेल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब ठीक है गलत मार्ग ले लिया पर वो GPS अभी तो चालू है. ठीक है, ये गलत है, अभी सही मार्ग पे आ जाओ. तो कभी भी कितनी भी बड़ी गलती हो जाए हमें हताश नहीं होना है, फिर क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ है. कृष्णाज लव फॉर अस डजेंट डिपेंड ऑन, इज नॉट बेस्ड ऑन हु वी आर, इट इज बेस्ड ऑन हु ही इज. भगवान का जो हमारे प्रति प्रेम है वह इस पे निर्भर नहीं है, इसके कारण नहीं है कि हम कितने अशुद्ध है, या भगवान का हमसे प्रेम इसलिए नहीं करते कि हम अशुद्ध है. भगवान इसलिए हम प्रेम पे प्रेम करते हैं कि वो हमारे परम स्वामी है, वो हमारे परम पिता है, वो हम सबसे प्रेम करते हैं. एक तरह से हम कहते हैं भक्त वत्सल है भगवान, पर प्रहलाद महाराज सातवें स्कंद में कहते हैं कि भगवान कृपण वत्सल है, कि सबसे स्नेह करते हैं. तो इसीलिए भगवान हमेशा हमारे साथ है. कितने भी हम गलत मार्ग पर चले जाएंगे तो हम सही मार्ग पर पुनः वापस आ सकते हैं.
तो जैसे ही समझ जाएगा तो ये गलत हो गया, तो अभी सही कर्म कैसे आ सकता हूँ मैं, वो जब भाव रखते हैं तो धीरे धीरे जो गलतियाँ हैं वो कम हो जाएगी और सही मार्ग के हम और तेजी से आ जाएंगे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद की गौर भक्त वृंद की गीता गौर प्रेमानंदे चैतन्य चरण प्रभु की जय।